आखिरकार क्या है एक्टर आदित्य सिंह राजपूत और सुशांत सिंह राजपूत का आपस में कनेक्शन? आखिरकार क्यों आदित्य सिंह राजपूत की मौत को अब सुशांत सिंह राजपूत की मौत से भी जोड़ा जा रहा है? आखिरकार क्यों सुशांत सिंह राजपूत का बार बार इस केस में नाम आ रहा है? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 दिल्ली NCR में। मैं हूँ पूनम अधिकारी। एक्टर और मॉडल रह चुके आदित्य सिंह राजपूत अब हमारे बीच नहीं रहे। कल मुंबई में उनका निधन हो चुका है, लेकिन न जाने क्यों आज आदित्य सिंह राजपूत की मौत को सीधा बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत से जोड़ा जा रहा है। सबके मन में अब यही सवाल घूम रहा है कि क्या सचमुच आदित्य सिंह राजपूत का और सुशांत सिंह राजपूत की मौत का आपस में कोई कनेक्शन है? इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, तो चलिए करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। दरअसल कल आदित्य सिंह राजपूत की कल मुंबई में उनके फ्लैट में मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब आदित्य सिंह राजपूत बाथरूम में थे। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि एक्टर आदित्य की मौत ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से हुई है। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आदित्य सिंह राजपूत की मौत सिर्फ ड्रग्स के ओवरडोज से नहीं बल्कि जमीन पर उनका सर लगने से हुई है। 32 साल के आदित्य ने मुंबई में कई टीवी शोज में काम किया था। स्प्रिट्स ब्राउन में से एक शो है जिसके जरिए आदित्य सिंह राजपूत पॉपुलर हुए थे। आदित्य सिंह राजपूत के अगर आखिरी सरनेम की बात करें जो कि राजपूत है, और राजपूत से हमें सुशांत सिंह राजपूत की भी याद आती है। लेकिन आज न जाने क्यों फैंस बार बार आदित्य सिंह राजपूत की मौत को सीधा सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जोड़ रहे हैं। दरअसल कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जिन हालात में आदित्य सिंह राजपूत की मौत हुई है वो कहीं ना कहीं शॉकिंग है। यानी ये भी कहा जा रहा है कि आदित्य सिंह राजपूत की मौत जरूरी नहीं कोई हादसा ही हो सकता है कि जानबूझ के किसी की सोची समझी साजिश हो आदित्य सिंह राजपूत की मौत को एक हादसा बताना। आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत 14 जून 2020 को हुई थी और उस वक्त भी हालात कुछ ऐसे ही थे। कुछ लोगों का कहना था कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ कोई भयानक हादसा हुआ है जिसे जानबूझकर छुपाया जा रहा है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के बॉलीवुड में कई दुश्मन थे। सुशांत सिंह राजपूत एक अच्छे कलाकार थे और कई ऐसे डायरेक्टर थे जो कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत से चलते थे। आज तक CBI इस केस की जाँच कर रही है और फैंस बार बार सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए इंसाफ की गुहार सोशल मीडिया पर लगाते रहते हैं। लेकिन अब मुंबई में कल अचानक आदित्य सिंह राजपूत की मौत की वजह से कई सवाल खड़े हो गए हैं और फैंस को लग रहा है कि क्या कहीं ना कहीं आदित्य सिंह राजपूत और सुशांत सिंह राजपूत का कहीं कोई कनेक्शन तो नहीं। फिलहाल आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही और मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।